Now next C program again based on number system conversion. इसके साथ जस्ट परफॉर्म कराना डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल कन्वर्जन. डेसिमल नंबर को जस्ट रीड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर प्लस हेक्सा डेसिमल का रिजल्ट किस फॉर्म में स्टोर करना है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग और एरे ऑफ कैरेक्टर. रीजन हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम के केस में पॉसिबल डिजिट्स क्या होंगे बिटवीन 0 टू 9 एंड ए टू एफ. सपोज दैट 9 की बात मीन्स अगर कोई अदर रिमाइंडर आता है लाइक अ 10 तो 10 के प्लेस पर रिप्लेस क्या करेंगे 8. 10 इज रिप्रेजेंटेड बाय ए मीन्स ए के प्लेस पर ऑलवेज हेक्साडेसिमल नंबर 10 के प्लेस पर क्या आएगा ए. सिमिलरली अगर किसी पर्टिकुलर केस में रिमाइंडर 11 है 11 के केस में क्या आएगा 20. सिमिलरली 12 के केस में सी 13 के केस में डी ई एफ is 14 and 15. इस केस को जस्ट यूटिलाइज करेंगे इन दैट केस. सबसे पहले अगेन परफॉर्म क्या कराएंगे सम वेरिएबल डिक्लेरेशन. अगर प्रीवियस ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं ये ऑपरेशन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि अभी तक आपके पास वैलिड न्यूमेरिक डिजिट्स थे लेकिन इस केस में अल्फाबेट्स भी पॉसिबल है ए टू एफ. तो इन अल्फाबेट्स को मैनेज करने के लिए और हेक्साडेसिमल के केस में टोटल डिजिट्स कितने 16 डिजिट्स. टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने इस केस में 16. इसलिए इसका बेस क्या है कॉल्ड एज बेस 16. 16 के केस में जस्ट ऑल डिजिट्स को मैं सेपरेट कैरेक्टर एरे में मैनेज करूंगा जिस टाइप से जब भी कोई मीन फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर डिवीजन के केस में अगर रिमाइंडर क्या है समथिंग 12. अगर रिमाइंडर 12 आया ना रिमाइंडर 12 के केस में जस्ट 12 के अकॉर्डिंग रिट्रीव क्या कराएंगे सी और सी के केस में सी और ये सारे एलिमेंट्स इस टाइप से मैनेज करेंगे. लॉजिकली सी का इंडेक्स क्या होना चाहिए 12 में से इंडेक्स इसको जस्ट कंसीडर करेंगे एज अ इंडेक्स. इस केस में सबसे पहले मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वेरिएबल डिक्लेरेशन काफी इजी केस है. वॉइड मैन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन. तो टोटल इस केस में वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे इनपुट्स इंटीजर नंबर एंड इटरेटिव वेरिएबल आई. नंबर्स के फॉर्म में जस्ट कीवर्ड से इनपुट नंबर रीड करा हुए जिस नंबर को आप इक्विवेलेंट हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हो. सेम आई के थ्रू लूप्स को मैनेज करेंगे और एरे इंडेक्स ऑफ एरे एलिमेंट्स. नेक्स्ट वन रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए रिजल्ट एरे क्रिएट करा एज अ ए विद साइज एज 10. मीन्स जो भी हेक्सा डेसिमल के रिस्पेक्ट में रिजल्ट आएगा रिजल्ट को किस फॉर्म में स्टोर कराऊ स्ट्रिंग के फॉर्म में. स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए सेपरेटली कैरेक्टर एरे क्रिएट किया विद साइज 10. नेक्स्ट वन सारे के सारे हेक्सा डेसिमल डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वन मोर सेपरेट एरे क्रिएट कर रहा हूं कैर हेक्स. इसे हेक्स के अंदर स्टोर क्या होंगे ऑल हेक्सा डेसिमल डिजिट्स. टोटल डिजिट्स कितने 16 प्लस लास्ट प्लेस पर इंसर्ट क्या हुआ नल इसलिए टोटल इसका साइज क्या हुआ 17. अगर आप साइज नहीं भी प्रोवाइड करो तब भी बाइट फॉल साइज क्या ले देगा 17. आसानी क्या कराएं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन 9 के बाद नेक्स्ट कमिंग डिजिट्स क्या होंगे 10 और ए ए ए बी सी डी ई एफ क्लोजिंग क्लियर. नेक्स्ट वन सबसे पहले जो भी आपने वेरिएबल्स क्रिएट किए वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में जस्ट मेमोरी रिप्रेजेंटेशन शो कर रहा हूँ. नेक्स्ट वन रीडिंग इनपुट्स मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्रिएट किया वेरिएबल नंबर. एन अदर वेरिएबल क्या क्रिएट हुआ इस केस में आई नंबर एंड आई. नेक्स्ट केस इसके अलावा एरे क्रिएट हुआ ए और एरे ए के केस में भी इसका साइज क्या है 10 बाइट्स. नेक्स्ट वन लास्ट एरे आपके लिए इंपॉर्टेंट केस है. इस केस में एरे का कैपेसिटी क्या है 17. तो 17 साइज का एरे क्रिएट कर रहा हूँ बॉटम पार्ट में. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरे. इस नेक्स्ट प्रोग्राम इसके बाद भी मैं इसे लॉजिक के बेस पर एक और प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ जिस प्रोग्राम के केस में किसी भी बेस के या किसी भी डेसिमल नंबर को एनी बेस में डायरेक्टली कन्वर्ट करना पॉसिबल. इसलिए मैं अगर रिकमेंड करूँगा कोई केस आपको सबसे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. टोटल साइज क्या इसका 17 लेकिन डिजिट्स कितने मैनेज करेंगे एग्जैक्टली 16 डिजिट बिकॉज हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम कंटेनिंग 16 डिस्टिंक्ट डिजिट्स प्लस टर्मिनेट कैसे हुआ नल कैरेक्टर. इसके इसमें स्पेशली एड्रेसेस को भी हाईलाइट कर रहा हूँ. एड्रेस 100 101 102 103 104 5 6 7 108 9
अगर आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करोगे देन आपके लिए नेक्स्ट प्रोग्राम काफी इजीली समझना पॉसिबल है, जिसके इसमें डिस्कस करूंगा हाउ टू कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर इनटू एनी बेस, मींस डेसिमल टू बाइनरी, बेस टू, बेस थ्री, बेस फोर, बेस फाइव, जस्ट इसके अकॉर्डिंग डिस्कस करें। इसके इसमें प्रोवाइड क्या किया, फर्स्ट वन आसान क्या हो रहा है, डिजिट्स 0 to 9, 0, 1, लेकिन डिजिट्स स्टोर किस फॉर्मेट में, कैरेक्टर्स के फॉर्म में, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, क्लियर। देन हेक्साडेसिमल डिजिट्स आर ए बी सी डी अप टू एफ। अभी मैं जस्ट सिंपल कोड पार्ट कर रहा हूँ, बाद में इसी कोड को इसे डायग्राम के बेसिस पर मैं चेंज करूँ, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करोगे। हो सकता है आपको लॉजिक स्टार्टिंग में मिडिल में ही समझ में आ जाए, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम के रिगार्डिंग में आपको वीडियो कंप्लीटली वॉच करना चाहिए, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा इससे। इन दैट केस मीन्स टोटल 4 वेरिएबल्स क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट रिक्वायर्ड किस क्या रहेगा, रीडिंग इनपुट नंबर, मीन्स वो नंबर रीड डाउन करा जिस नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मीन्स जस्ट मैंने मैसेज डिस्प्ले करा लिया रीड करने से पहले, एंटर नंबर, देन नंबर्स को रीड करने के लिए यूज क्या करेंगे, स्कैन एफ फंक्शन, नथिंग न्यू, स्कैन एफ। इसके इसमें मैं एक स्मॉलेस्ट नंबर कीवर्ड से रीड कर रहा हूँ, एड्रेस ऑफ नंबर जस्ट 92, क्लियर, जिससे आपके लिए ईजिली समझना पॉसिबल हो। नेक्स्ट वन 92 के केस में जस्ट पहले मैं रफली सेपरेटली राइट डाउन कर लेता हूँ, व्हाट इज द हेक्साडेसिमल ऑफ 92, 92 का अगर हेक्साडेसिमल नंबर निकालो तो इसके इसमें डिवाइड किससे करा, वो 16 से, प्लस 16 को डिवाइड करने पर फर्स्ट टाइम इसके इसमें डिवीजन क्या आएगा, 16 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 80, तो क्या आएगा इसके इसमें 5, लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा 12, और 12 के प्लेस पर आपको रिक्वायर्ड क्या होगा, 12 का इक्वलेंट हेक्साडेसिमल डिजिट क्या है, 12 के प्लेस पर क्या आना चाहिए, सी, मीन्स इस प्लेस पर इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड डिजिट क्या है, सी। नेक्स्ट टाइम अगेन 16 से 5 को डिवाइड करो तो इसके इसमें रिमाइंडर क्या आएगा 5, डिवीजन क्या आएगा 0, और प्लस ऑपरेशन कब तक परफॉर्म कराना, जब तक डिवीजन 0 से बड़ा है। नेक्स्ट टाइम प्लस रिजल्ट्स को स्टोर कराने के लिए लूप से यूज करेंगे, दैट वन स्पेस पर इंडेक्स क्या है 0, 1, 2, इसे एरे का नेम भी क्या है, हेक्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16। इसके इसमें जस्ट एक और मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, आपको याद हो स्ट्रिंग के केस में स्पेशली मैंने एक ऑपरेशन आपको शो किया था, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ गिवन केस, इन दैट केस सपोज दैट मैंने डिस्प्ले कराया परसेंट सी एंड परसेंट सी, इस केस मैंने डिस्प्ले कराया जस्ट ए बी सी डी ऑफ 2, व्हाट इज द रिजल्ट, ओनली सिंगल परसेंट सी के केस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले, इस केस में रिजल्ट क्या आएगा, ए बी सी डी के अकॉर्डिंग पहले आपको एक डायग्राम इंप्लीमेंट करना होगा। इस केस में साइज क्या है इसका 5, फर्स्ट प्लेस पर क्या है कैरेक्टर ए, मीन से कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया, इसलिए मैं छोटा सा रिवीजन आपको प्रोवाइड करूँ जो कि ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। स्टार्ट में आपने कोई एरे एक्सप्रेशन राइट डाउन किया था ना, आपको ऑलवेज बोला है स्ट्रिंग के केस में स्ट्रिंग के प्लेसेस पर रिप्लेस किया था स्ट्रिंग का बेस एड्रेस, तो इसके रिस्पेक्ट में जस्ट पहले आप डायग्राम इंप्लीमेंट करोगे, डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या आएगा ए बी सी डी एंड नल, क्लियर। देन अगर इसका एड्रेस 100 है तो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या है 101, 102, 103, 104। इस केस में जब से एरे को इंप्लीमेंट करें तो एरे के ए बी सी डी के प्लेस पर रिप्लेस किया बेस एड्रेस विच इज 100, इट विल बिकम्स लाइक 100 of 2, प्लस ये लॉजिक क्या लाएगा एक्सप्रेशन का ए ऑफ आई, और ए ऑफ आई का पॉइंटर कन्वर्जन क्या होता है स्टार ए प्लस आई, ए के प्लेस पर क्या है 100 प्लस आई के प्लेस पर क्या है 200 + 2 बिकम्स 102, फाइनल स्पेस पर स्टार से रिप्लेस क्या हुआ, स्टार ऑलवेज अप्लाई किसके लिए होता है एड्रेस के लिए, और रिटर्न क्या होता है वैल्यू ऑफ गिवन एड्रेस, तो चेक कर सकते हो 102 में वैल्यू क्या स्टोर है सी, तो फाइनली इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा सी, क्लियर। सेम एज इसी एक्सप्रेशन को राइट डाउन करने का अदर वे आप क्या यूज कर सकते हो, लाइक दैट 2 ऑफ ए बी सी डी लाइक दैट, इसका भी मीनिंग क्या था ऑलरेडी सेम, क्योंकि अगेन स्ट्रिंग के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा 100, उसका मीनिंग क्या हुआ स्टार 2 + 100, सेम मीनिंग्स, सेम केस जस्ट यूटिलाइज करें इस केस में, जिससे आपके लिए कोड का लेंथ रिड्यूस करना पॉसिबल है। फाइनली इस केस में मैंने इनपुट्स को रीड करने के बाद जस्ट इस नंबर को कन्वर्ट किस में कराना इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल वैल्यू, तो अगेन आप यूज करोगे फोर लूप, इस फर्स्ट डिवीजन परफॉर्म होने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा 12 समथिंग आसानी किस में कराएंगे एरे ए के अंदर, और ए का बिगिनिंग इंडेक्स क्या है 0, इसलिए आई को इनिशियलाइज किससे कराए 0 से, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में 0। देन लूप कब तक चलाओ जब तक नंबर का वैल्यू 0 से बड़ा, व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0,
number is greater than 0. Every time I के respect में I का 0 से initialize हुआ है, increasing order में grow कर रहा है, इसलिए every time increment कितने से कराएंगे I के लिए 1 से, first one, इस place से आप especially concentrate करोगे, first जो भी division आएगा, आपको required क्या remainder, क्योंकि array में results के form में capture क्या करना always remainder. तो remainder के कौन सा operator provide करेगा आपको, just modulo operator, number modulo y 16. नंबर के केस में करंट वैल्यू क्या है नंबर का 92 और 92 को 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 12 तो इस प्लेस पर इसका रिजल्ट क्या आएगा एग्जैक्टली 12 चेक करो 12 के प्लेस पर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आपके लिए सी और जो मैंने हेक्स एरे क्रिएट किया है इसके अंदर स्टोर किया है ऑल हेक्सा डेसिमल डिजिट हेक्सा डेसिमल डिजिट्स के केस में सर एरे को इस तरह से लॉजिकली मैनेज किया कि जो भी रिक्वायर्ड हेक्सा डेसिमल डिजिट होगा वो इक्विवेलेंट सेम इंडेक्स में स्टोर जैसे सी के केस में रिमाइंडर क्या है 12 तो 12 हेक्स एरे के अंदर किस इंडेक्स में फाउंड होगा सेम इंडेक्स वैल्यू 12 चेक इट 12 इंडेक्स में स्टोर किया कैरेक्टर सी तो आपको जस्ट इस प्लेस पर 12 को कंसीडर करना है एज अ इंडेक्स टू द हेक्स अगर इस पर्टिकुलर रिजल्ट को हेक्स के अंदर या हेक्स एरे के अंदर एज अ इंडेक्स अप्लाई कर दो देन इस केस में जस्ट इस एक्सप्रेशन का इनर एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या है 12 12 क्या पास होगा एज अ इंडेक्स टू द हेक्स एरे और हेक्स एरे के अंदर 12 इंडेक्स में क्या स्टोर है कैरेक्टर सी तो इस प्लेस पर रिजल्ट में रिप्लेस क्या हुआ कैरेक्टर सी और सी आपको असाइन किस में कराना है एरे के अंदर एरे ए के अंदर तो एरे ए के अंदर किस इंडेक्स में असाइन कराना 0 इंडेक्स और 0 किस में स्टोर है आई के फॉर्म में तो स्पेस पर डायरेक्टली 0 यूज करके 0 के प्लेस पर क्या यूज करेंगे आई रिजल्ट क्या है इसका सी सी किस में असाइन हो जाएगा ए ऑफ आई क्लियर इस केस में जस्ट हेक्सा डेसिमल वैल्यू क्या था 5c क्लियर रिक्वायर्ड केस क्या है 5c चेक इट नेक्स्ट टाइम जस्ट रीड करने के बाद अभी आपने इसका रिमाइंडर तो स्टोर करा लिया लेकिन डिवीजन कहीं स्टोर हुआ है क्या नंबर में नहीं तो नंबर के अंदर डिवीजन स्टोर कराने के लिए यूज क्या करें नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 16 तो नंबर का वैल्यू क्या 92 92 को 16 से डिवाइड करोगे तो इस केस में अगेन रिजल्ट क्या आएगा 5 5 आसान किस में जाएगा वेरिएबल नंबर के अंदर तो नंबर का न्यू वैल्यू क्या होगा 5 क्लोज दिस लूप नेक्स्ट वन आई प्लस प्लस नेक्स्ट जो भी रिजल्ट आएगा किस इंडेक्स में स्टोर होगा 1 में नंबर का वैल्यू क्या 5 5 ग्रेटर देन 0 कंडीशन इज ट्रू नंबर मॉड्यूलो y 16 जब बॉडी एग्जीक्यूट होगा तो सेम एक्सप्रेशन नंबर मॉड्यूलो y 16 नंबर का वैल्यू क्या 5 5 को 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा अगेन 5 मींस इस केस में 5 क्या है जस्ट नंबर और इंटीजर डिजिट 5 इस केस में इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा 5 मींस इसका लॉजिकल मीनिंग क्या है वो हेक्स ऑफ 5 और हेक्स एरे के अंदर 5th इंडेक्स में क्या स्टोर है फिफ्थ इंडेक्स में क्या स्टोर है अगेन 5 लेकिन 5 क्या है नंबर और डिजिट्स सॉरी कैरेक्टर और डिजिट सिंगल कोट्स के फॉर्म में मींस कैरेक्टर आपको कैरेक्टर में कन्वर्ट करनी नीड ही नहीं है इस केस में ऑलरेडी इस एरे के केस में 5 के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो रहा है कैरेक्टर 5 और कैरेक्टर 5 आई के प्लेस पर क्या आएगा इंडेक्स वैल्यू 1 तो 5 किस इंडेक्स में असाइन हुआ ये के अंदर 1 इंडेक्स में क्लियर नेक्स्ट वन अगेन परफॉर्म क्या हुआ नंबर डिवाइडेड बाई 16 नंबर का वैल्यू जस्ट क्या करेंटली 5 5 को 16 से डिवाइड करोगे तो इस केस में इंटीजर डिवीजन क्या आएगा 0 0 किस में असाइन हो जाएगा नंबर में मींस नाउ नंबर बिकम्स 0 जैसे ही नंबर का वैल्यू इस केस में 0 हो जाएगा कंट्रोल कहां जाएगा आई प्लस प्लस आई का वैल्यू क्या हो जाएगा नेक्स्ट टाइम 2 क्लियर नेक्स्ट वन नंबर का वैल्यू क्या 0 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन इज फॉल्स मींस फॉर लूप का कंडीशन फॉल्स हो चुका है कंट्रोल कहां जाएगा आउटसाइड लूप कंट्रोल जो लूप के बाहर आ चुका है मींस आपके पास इक्विवेलेंट कन्वर्जन किस में ए में और ए के अंदर लास्ट प्लेस पर आपको इस स्ट्रिंग को और एरे को टर्मिनेट करने के लिए यूज क्या करेंगे नल तो इसलिए जैसे ही कंट्रोल लूप से बाहर आएगा इमीडिएटली ए ऑफ 2 और मींस किस इंडेक्स में नल असाइन कराना है 2 और 2 किस में आई के अंदर तो अगेन ए ऑफ आई में असाइन क्या करा लोगे डायरेक्टली नल कैरेक्टर इज नाउ दिस एरे इज टर्मिनेटेड बाय नल इस पर्टिकुलर हेक्स एरे का यूज समझ में आया आपको हेक्स एरे के केस में जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा है रिमाइंडर को आपको कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है इक्विवेलेंट कैरेक्टर वैल्यू डायरेक्टली प्रोवाइड कौन करेगा दैट एरे रीजन क्योंकि जब किसी भी नंबर को आप 16 से डिवाइड करोगे तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या है 0 टू 15 और इस एरे के अंदर इंडेक्स भी क्या है 0 टू अप टू 15 16 किसका इंडेक्स है नल का लेकिन अगर हेक्सा डेसिमल डिजिट्स के इंडेक्सिंग की बात करें तो स्टार्ट कहां से हो रहा है 0 से
और लास्ट नंबर का इंडेक्स क्या है, जस्ट 15, मीन्स आप श्योर हो 16 से डिवाइड करने पे पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या गिवन वन, अगर रिमाइंडर 10 आता है देन आपको इसके इसमें हेक्स ऑफ 10 में क्या मिल जाएगा, ए, हेक्स ऑफ 11 में क्या मिल जाएगा, बी, क्लियर दैट वन। नेक्स्ट वन, अब क्वेश्चन है कि इस केस में जस्ट जब मैंने 92 को 16 से डिवाइड किया तो एक्सपेक्टेड हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या है, 5c, और एरे में क्या स्टोर है, 5c और c5, आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आपके लिए 5c, तो जस्ट इस केस में रिक्वायरमेंट क्या होगी, रिवर्सिंग एलिमेंट ऑफ दिस एरे, अगर इस एरे के एलिमेंट को रिवर्स कर लिया जाए देन आपके पास क्या होगा एक्चुअल आउटपुट, वो रिवर्स करने के लिए जस्ट स्ट्रिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने के लिए फंक्शन क्या आपके पास strevi, और आप यूजर डिफाइंड फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इसके लॉजिक डिस्कस किए हैं। रिवर्स होने के बाद जस्ट इस एरे के अंदर एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 5c, मैंने जस्ट स्मॉल इनपुट यूज किया था जिससे ईजीली समझाया जा सके, लेकिन आप इस केस में कोई भी इनपुट वैल्यू ले सकते हो जो कि इंटीजर के रेंज के अंदर होना चाहिए, अगर आपको लार्जेस्ट नंबर यूज करना है इसके प्लेस पर डेटा टाइप यूज कर सकते हैं लॉन्ग। एंड फाइनली आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए आउटपुट किस फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो स्ट्रिंग के फॉर्म में जस्ट एरे का नेम क्या है, ए, तो ए के प्लेस पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, इट्स बेस एड्रेस समथिंग 200, 201, 202, 203 एंड सो ऑन, इस प्लेस पर पुट्स में के पास होगा 200, डेटा कब तक रीड होगा, जब तक नल ना मिल जाए, तो आउटपुट में क्या डिस्प्ले हो जाएगा, 5c, क्लियर। अब चेक करते हैं देन फाइनली क्लोजिंग मेन फंक्शन, मीन्स ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, जस्ट मैं बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ रिगार्डिंग नेक्स्ट प्रोग्राम, इसके मैंने स्पेशली ये एरे यूज किया था हैक्स, और हैक्स जस्ट इस प्लेस पर यूज किया, मीन्स आपको हेक्स के प्लेस पर एवरी टाइम रियल में देखा जाए तो इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, इस एरे का बेस एड्रेस, आप इस प्लेस पर सेपरेटली एरे डिक्लेयर न करके सेम टर्म्स राइट करने का आपका सर अदर अप्रोच क्या है, इसमें सेम प्रोग्राम फिर से इसका डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ रिगार्डिंग एन अदर वे, इसके जस्ट सिंटेक्स में डिफरेंट यूज कर रहा हूँ जबकि मीनिंग कैसे है, अगेन सेम मीनिंग्स, काफी इंटरेस्टिंग केस है, अगर आप इस केस को कॉन्सल्ट्रेट करो देन आपके लिए रिमेनिंग केस इजीली इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है। इन दैट केस हेक्स के प्लेस पर रिक्वायर्ड किया था हेक्साडेसिमल एरे, इस एरे को मैंने कंप्लीटली रिमूव कर दिया, इसके अंदर एलिमेंट्स क्या थे, 0 to f, तो इस केस में डायरेक्टली हेक्स के प्लेस पर मैं यूज क्या कर सकता हूँ, स्ट्रिंग लाइक दैट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f, क्लियर। देन इसके अंदर सप्लाई क्या हुआ था, नंबर मॉड्यूलो 16, इज दिस क्लियर लाइक दैट। इन दैट केस, इस पर्टिकुलर केस में जस्ट अगेन मैं इसका डायग्राम इंप्लीमेंट करूं, वेरिएबल्स क्या, नंबर आई और ए, वेरिएबल एस नंबर, वेरिएबल एस आई एंड एरे एस ए, दिस इज द प्रीवियस केस, नथिंग न्यू, एरे ए, यहां आपको कॉन्सोलिडेट क्या करना है, दैट एरे इंडेक्स वाली 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, क्लियर। फाइनली नेक्स्ट वन, नंबर की केस में नंबर मैंने अगेन यूज किया सेम 92, अगेन फिर से लूप एग्जीक्यूट हुआ, आई में क्या सन हो जाएगा 0, देन नंबर ग्रेटर देन 0 कंडीशन इज 2, देन इस केस में जस्ट आपको कॉन्सोलिडेट करना स्पेशली दैट एक्सप्रेशन, तो इस केस में जस्ट मैंने यूज क्या किया एरे, इस केस में इसे स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए मेमोरी के अंदर अगेन क्रिएट क्या हुआ एरे, ठीक नहीं, इसे एरे का कोई नेम है क्या, नहीं, इसे इसे एरे को कंसिडर करेंगे एज एनोनिमस एरे, अगेन डायग्राम सेम है, बस इस केस में एरे का कोई नेम नहीं हुआ, प्लस एरे के प्लेस पर जस्ट रिप्लेस क्या हुआ एरे का बेस एड्रेस, एड्रेस क्या एज्यूम करूं मैं 100, इंडेक्स वाली 0 1 2 3 4 5 6 7, एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन, असाइन कर स्पेस पर कैरेक्टर 0, मीन्स एरे के अंदर कैरेक्टर एरे, इसलिए सारे के सारे सिंबल्स किस फॉर्म में होंगे, इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स 2 3 4 5 6 7 8 9, नेक्स्ट वन ए बी सी डी ई F एंड null, क्लियर लाइक दैट। एड्रेस क्या है 100 101 102 103 104 5 6 7 8 9 11 0 11 1 2 3 4 एंड सो ऑन लाइक दैट। इस पर्टिकुलर केस में जैसे इस केस में डिवीजन परफॉर्म हुआ तो नंबर के प्लेस पर नंबर का वैल्यू क्या है 92, 92 को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा जस्ट 12, सेम एज प्रीवियस, लेकिन इसे एरे के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा
एरे का बेस एड्रेस, इसलिए इसको स्टार्ट से डायरेक्टली भी राइट डाउन करना पॉसिबल, क्योंकि इसकी मीनिंग कैसे एग्जैक्टली सेम एज प्रीवियस, देयर इज नो चेंज। इस केस में एरे का कोई नेम नहीं है, एरे के प्लेस पर डायरेक्टली एवरी टाइम रिप्लेस किया इट्स बेस एड्रेस। डायग्राम में अगर एड्रेस 100 है तो उसका मीनिंग क्या है, 100 प्लस ये टर्म क्या है, इट इज इक्वेलेंट टू ए ऑफ आई, और ए ऑफ आई का मैंने पॉइंटर के केस में कन्वर्जन किया शो किया था आपको, ए ऑफ आई इज इक्वेलेंट टू स्टार ए प्लस आई, चेक इट, ए के प्लेस पर ऑकर क्या हुआ 100 और आई के प्लेस पर क्या है जस्ट 12, 100 प्लस 12, 100 किस टाइप का एड्रेस है इंटीजर का और कैरेक्टर्स का, कैरेक्टर्स का तो इंक्रीमेंट कितने से होगा एग्जैक्टली 12 से, क्या स्पेस पर स्टार 112, स्टार ऑपरेटर हमेशा रिटर्न क्या करता है, ये अप्लाई किसके लिए होता है एड्रेस के लिए, उससे रिटर्न क्या होता है वैल्यू ऑफ दैट एड्रेस, तो फाइनली रिटर्न क्या करेगा उस लोकेशन का कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करेगा जिसका मेमोरी एड्रेस 112 है, 112 जिस प्लेस पर स्टोर है, जिस प्लेस का एड्रेस है उसका वैल्यू क्या है सी, तो फाइनली इसे एक्सप्रेशन के प्लेस पर ऑपरेटर रिजल्ट क्या आएगा सी, क्या आएगा प्लेस पर सी, तो ए ऑफ आई में आसानी क्या हो जाएगा सी, तो प्रीवियस केस में आपको याद हो तब भी उस केस में रिजल्ट क्या था ऑल्सो सी, तो जैसे द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, जस्ट इस केस को इम्प्लीमेंट करके नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा डेसिमल टू, मीन्स अगर आपके पास कोई नंबर बेस 10 के फॉर्म में अवेलेबल देन इस बेस 10 वाले नंबर को एनी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना पॉसिबल, एनी मीन्स मे बी बेस 2, बेस 3, बेस 4, मीन्स ऑक्टल बाइनरी हेक्साडेसिमल एवरीथिंग, मीन्स किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना पॉसिबल बेस्ड ऑन दैट लॉजिक, जस्ट मैं इसको नेक्स्ट केस में इंप्लीमेंट करूंगा।